फ्रेंड्स, ममाज हवा में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको चटपटी लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी के लिए इस तरीके से लहसुन को छील लें। देखिए, बढ़िया से लहसुन को छील लें। ये मैंने 3 पोट लहसुन लिए हैं और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से छील लिया है और धो लिया है। और उसके बाद आप मिर्च ले लें, खड़ी मिर्च ले लें और इसे आप इस तरीके से पानी में भिगो लें। ये देखिए, पानी में अभी मैंने पानी में भिगोया है इसे, तो पानी में भिगो लें आप इसे। मिर्च आप अपनी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, तीखी अगर मिर्च है तो कम लें और अगर कम तीखी है तो ज्यादा लें। झटपट बनने वाली चटनी है, बिल्कुल 3-4 मिनट में। अब देखिए, एक पैन गरम कर लें और इस पैन में थोड़ा सा तेल डाल लें, जैसे मैंने सरसों तेल डाला है इसमें। शायद इसमें एक आध बूंद पानी रहा होगा, इसलिए आवाज कर रही हूँ। जब ये पैन गरम हो जाए तो इसमें लहसुन को डाल दें और इसे 30 सेकेंड तक भुने। इस तरीके से हम 30 सेकेंड तक इसको भुनेंगे। ये वीडियो मैं आपको बिल्कुल एक टेक में बता रही हूँ, जैसे मेरे यहाँ बन रही है वैसे आपके पास ही बनेगी। अब 30 सेकेंड हो चुके हैं, अब ये मिर्ची आप इसमें डाल दें और इसे डाल के भी आप 30 सेकेंड तक भूनें। जब मिर्च में थोड़ी पकीनेस आ जाए तब गैस को ऑफ कर दें। तो ये मेरी 30 सेकेंड हो गई, अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं, इसे ठंडा होने देंगे। अब देखिए, ये लहसुन और जो लाल मिर्च है वो ठंडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए, ये लहसुन और मिर्च पीस कर तैयार है, इसमें भी लग चुका है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब एक उसी पैन को मैंने यूज किया है, पैन को गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब हम इसका छौंका तैयार करेंगे। तेल गरम होने का वेट करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी राई और हींग, असफल जीरा हींग। जब राई चटक जाए तब हम इसमें ये जो पेस्ट हमने डाला है वो डाल देंगे। जीरा जब रेड हो जाए, राई जब चटक जाए, राई चटकने लगी है, इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से गैस को कम कर दें। मिक्सी जार में जो पेस्ट है वो फर्स्ट चाहिए। मिर्च बहुत तीखी है, बहुत तीखी मिर्च है, आपको आवाज भी आ रही होगी हमारी छींक की। ये सारा हम इसमें डाल लेंगे इस तरीके से और इसे चलाएंगे। अब ये देखिए, इसमें रेड कलर नहीं आया। मिर्च तो हमारी बहुत तीखी थी, तो मिर्च मैंने बहुत कम लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे राजस्थान में रेड कलर आता है वैसा, तो इसमें हम देगी मिर्च डाल देंगे और इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर पका के गाढ़ा करेंगे। अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें मिक्स करेंगे नमक। दोस्तों, आप तो सोच रहे होंगे कि नमक हमने मिलाया ही नहीं, अब हम इसमें मिक्स करेंगे नमक और अब करेंगे गैस फ्लेम को बंद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कलर का बटन रेड कलर का है, उसको जरूर क्लिक करें, पूरा वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है चटपटी लहसुन की चटनी। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। आप चाहें तो इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं। वैसे ये 5 मिनट बाद जब ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी गाढ़ी अपने आप हो जाएगी।
तो आप इसे बाजरे की रोटी के साथ, ज्वार की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ, इस चटनी को आप मोमोज के साथ यूज कर सकते हैं। तो ममाज ढाबा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद ममाज ढाबा की तरफ से आप सभी का।